हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नए ग्रह की चर्चा करेंगे और हम पढ़ेंगे आज बृहस्पति के बारे में। बैक टू बैक आपकी क्लासेस चल रही हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहती हैं, सैटरडे संडे का ऑफ रहता है ताकि सैटरडे और संडे जो दो दिन मिलते हैं उसमें आपने जितने भी 5 दिन पढ़े हैं मंडे टू फ्राइडे तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार पुनः रिपीटेशन कर सकें, उसको एनालिसिस कर सकें कि हमने 5 दिनों तक क्या पढ़ा और हमें कितना याद है। देखिए, कोर्स को कंटिन्यू चलाना या यूँ कह लीजिए कि पूरे 7 दिन तक पढ़ना या अधिकतम पढ़ना, ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमने जो भी पढ़ा है एक वीक में, जो पढ़ा है या एक घंटे की क्लास में या 40 मिनट्स की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना याद है। ठीक है, वो हमें कितना याद है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आप एक घंटे पढ़ें चाहे 10 घंटे पढ़ें चाहे आप 24 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको कितना याद है, आपने कितना गेन किया है पुस्तक को बंद करने के बाद या नोट कॉपी को बंद करने के बाद आपको कितना याद हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने पढ़ा तो 10 घंटे हैं या पढ़ा आपने 5 घंटे हैं या पढ़ा आपने 15 घंटे या 20 घंटे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल तक आपको मान लीजिए केवल 1 घंटे का ही पोर्शन याद है, तो फिर बाकी के आपने जो 9 घंटे पढ़ाई की है वो आपकी व्यर्थ है, वो बेकार हो जाएगी। तो 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आपको क्या 10 घंटे का पूरा मैटर याद है, या 8 घंटे का मैटर याद है, या 3 घंटे का मैटर याद है, या आधे घंटे का मैटर याद है। तो आप पढ़ें उतना और पढ़ने के बाद आप ये रिपीटेशन करें कि आपने यदि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का मैटर पढ़ा है तो उसमें से आपको कितना याद हुआ है, कितना आपकी मेमोरी में आपने उसको सेव किया है, क्योंकि आगे चलकर आपको वही आंसर लिखना है। ठीक है, तो हम डेली 40 मिनट 45 मिनट की क्लास अपनी रहती है और उसमें हम एक एक प्लेनेट के बारे में अच्छे से हम अध्ययन कर पा रहे हैं, जो जो उसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो वही आपको याद करना है। और आप क्लास लेने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप उसका रिपीटेशन करें, डेली आप रिपीटेशन करें, और 5 दिन जब क्लास पूर्ण हो जाती है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास पूरी हो जाती है, उसके बाद आप क्या करें, 5 दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको कॉल बैक करें। ठीक है, रिकॉल करें कि हमें उसे 5 दिन में अपने कितना पढ़ा है और कितना आपको समझ में आया है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये आप भी इस तरह से शेड्यूल बनाएं ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। तो वन बाय वन हम एक एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, 4 ग्रह की चर्चा कर चुके हैं, बुध को पढ़ लिया, शुक्र को पढ़ लिया, पृथ्वी को पढ़ लिया और लास्ट हमने मंगल ग्रह की बात की। अब हम नेक्स्ट 5वें ग्रह की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और 5वां ग्रह जो आएगा आपका वो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। 5वां ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। तो अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह की जो महत्वपूर्ण बात है हम उसकी चर्चा करते हैं। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी, सबसे ऊपर आप लिख लीजिए और वन बाय वन आप नोट्स जो आप मेंटेन करें तो नोट्स में आप स्पेस देके मेंटेन करें, ताकि यदि आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई रेफरेंस आप बुक पढ़ रहे हैं, या इन फ्यूचर में जाके आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी पड़े तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में कहीं ना कहीं लिख सकें। तो नोट्स आप इस तरह से बनाएं, गैप दे के नोट्स बनाएं, या एक पेज छोड़कर एक भी नोट्स बनाएंगे तो भी आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि नोट्स एक बार बनते हैं उसके बाद उसमें आप एडिट ही कर सकते हैं, वापस से नए नोट्स बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप पहले से ही उसको इस तरह से बनाएं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बृहस्पति ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए बृहस्पति के बारे में, नंबर वन, फर्स्ट बात, सौर मंडल में यदि हम सीरीज के अकॉर्डिंग बात करें, यानी वन बाय वन के अकॉर्डिंग बात करें, सौर मंडल में 5वां ग्रह
जिसके पूर्व में, जिसके पूर्व में मंगल, जिसके पूर्व में कौन सा ग्रह मंगल, और जिसके पीछे, और जिसके पीछे शनि ग्रह है। क्लियर हो गया? यानी सौरमंडल में जुपिटर का स्थान पूछे आपसे, तो जुपिटर का स्थान कौन सा है? पांचवा। जुपिटर का स्थान कौन सा है? पांचवा। लेकिन पांचवें स्थान से पहले यानी चौथे स्थान पर कौन सा होगा? तो चौथे स्थान पर कौन सा होगा? मंगल। अभी हमने पढ़ा चौथे स्थान पर कौन सा है? मंगल। पांचवें पे तो खुद कौन है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो फिर सिक्स नंबर पर कौन सा होगा? तो सिक्स नंबर पर कौन सा होगा? शनि। ये हो गया शनि, यहां हो गया मंगल, और यहां कौन सा है? यह हो गया बृहस्पति। क्लियर हो गया अब आपको? यानी पांचवें नंबर पर बृहस्पति, तो बृहस्पति से पूर्व में कौन सा है ग्रह है? तो मंगल। ठीक है, बृहस्पति से पूर्व कौन सा है? तो मंगल। और बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आएगा या उसके पीछे कौन सा ग्रह है? तो है शनि। कौन सा है? शनि। इससे पूर्व में कौन सा है? तो मंगल। ठीक है, और उसके बाद में आएगा तो कौन सा आएगा? शनि। तो ये इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट, कि सौरमंडल में पांचवा ग्रह जिसके पूर्व में मंगल और जिसके पीछे कौन सा है? शनि। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, सौरमंडल के सभी ग्रहों में, सौरमंडल के, सौरमंडल के सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जिसे जिसे किंग ऑफ प्लेनेट यानी कि ग्रह का राजा, सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जिसे किंग ऑफ प्लेनेट या ग्रह का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जिसे किंग ऑफ प्लेनेट या ग्रह का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें ग्रह का राजा या किंग ऑफ प्लेनेट, किंग ऑफ प्लेनेट्स या ग्रह का राजा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह का व्यास, बृहस्पति ग्रह का, देखिए दो तरह के व्यास हैं, एक भूमध्य रेखीय व्यास होता है, एक ध्रुवीय व्यास होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बृहस्पति ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास 142,984 किलोमीटर है, ये ध्यान रखें। ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास 142,984 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के व्यास से, आगे लिखते हैं, जो कि जो कि पृथ्वी के व्यास से, अब देखिए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी के व्यास से हम किसकी चर्चा कर रहे हैं,
पृथ्वी के व्यास की बात आ रही है। अब आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ कि पृथ्वी का व्यास कितना है। हमने पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की बात की थी, आपको ध्यान होगा भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का था 12,756 किलोमीटर, याद है आपको। कौन सा व्यास? भूमध्य रेखीय व्यास। पृथ्वी के भी दो तरह के व्यास थे, एक भूमध्य रेखीय व्यास था, ठीक है, एक ध्रुवीय व्यास था। लेकिन जब हम बृहस्पति ग्रह के भूमध्य रेखीय व्यास की बात करते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास, यहाँ लिख लीजिए भूमध्य रेखीय व्यास 142,984 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से, अब पृथ्वी का व्यास कितना था 12,756 किलोमीटर, तो पृथ्वी के व्यास से 11 गुना अधिक है, 11 गुना अधिक है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 142,984 किलोमीटर है, और पृथ्वी का जो व्यास है, और पृथ्वी का व्यास कितना था 12,756 किलोमीटर से कितना गुना अधिक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाए कितना गुना अधिक है, तो 11 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 11 गुना अधिक है। आप इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं कि 11 गुना अधिक होगा? जो पृथ्वी का व्यास है, जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास आपको दिया हुआ है, पृथ्वी का व्यास दिया हुआ आपको 12,756 किलोमीटर, इनटू आप 11 गुना कर लें, यानी कि 12,756 इनटू आप 11 करें तो आपको लगभग लगभग वो नंबर पता चल जाएगा जो भूमध्य रेखीय व्यास होगा किसका, बृहस्पति का, किसका होगा, बृहस्पति का, क्लियर हो जाएगा। अब देखें लगभग लगभग आप देखें तो 140,000 इंटू करने पर 12,756 इंटू 11 करेंगे तो लगभग 140,000 किलोमीटर आ रहा है, जो कि फैक्ट में हम देखें तो बृहस्पति ग्रह का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो फैक्ट में कितना आ रहा है 142,984 किलोमीटर। और जब हमने पृथ्वी के व्यास को 11 से गुणा किया, क्योंकि हमने लिखा है 11 गुना अधिक है, ये लगभग काउंट होता है, तो 11 को गुणा किया तो लगभग हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर आ गए वो कितना आ गया, 140,000 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ कितना है 42,000, तो इतने बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बहुत बड़ा ग्रह है, और हम उसकी तुलना पृथ्वी से कर रहे हैं या पृथ्वी की तुलना हम बृहस्पति से करें, तो लगभग 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, 2,00,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, बड़े ग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है 2,000 का डिफरेंस है ना, यहाँ 42,984 है, वो 40,000 है, 2,000 का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति ग्रह का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 142,984 किलोमीटर है, और जो कि पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, 11 गुना अधिक है। और आपको मैंने नोट भी करवा दिया कि वहाँ पृथ्वी का व्यास आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पृथ्वी का व्यास कितना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपको हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से, पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना अधिक है, 318 ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना अधिक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी रखनी है। और इसका 318 गुना जो अधिक द्रव्यमान है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां, 1300 पृथ्वियां शामिल हो सकती है,
देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना अधिक है, पहली बात तो ये। और इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं कि इतना द्रव्यमान है बृहस्पति का, ये बृहस्पति इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा द्रव्यमान है, इसका मास इतना ज़्यादा है कि उसमें हमारी पृथ्वी जो है ना, हमारी पृथ्वी तो एक है, लेकिन कितनी पृथ्वी उसमें शामिल हो सकती है, 1300 पृथ्वी शामिल हो सकती है, इतना समय द्रव्यमान है। यानी कि यूँ समझ लीजिए आप कि ये बृहस्पति ग्रह है और इतनी सी हमारी पृथ्वी है, यानी ये तो हमारी अर्थ है और ये कौन सा ग्रह है, जुपिटर। आया समझ में आपको? यानी हमारा जो जुपिटर है, जुपिटर प्लेनेट जो है वो इतना बड़ा है कि उसमें 1300 पृथ्वी आ सकती है, यानी 318 गुना अधिक है पृथ्वी के द्रव्यमान से। जुपिटर का जो द्रव्यमान है, बृहस्पति ग्रह का जो मास है वो 318 गुना अधिक है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। और इससे पहले एक बात इम्पोर्टेंट ये थी कि बृहस्पति ग्रह का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 1,42,984 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का 11 गुना है। कितना गुना है? 11 गुना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए सारे हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम ले रहे हैं, क्योंकि आप पूरी थ्योरी नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं और नवंबर दिसंबर का ये समय चल रहा है, नवंबर का समय चल रहा है, और आप यूनिवर्सिटी के पेपर लगभग देंगे मई जून के आसपास, और आपको दो जो पुस्तकें हैं वो आपको कवर करनी है। तो हर पुस्तक में, यानी हर यूनिट में मान लीजिए 7 से 8 टॉपिक शामिल है, तो हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी बुक में यदि आपके पास 30 से लेकर 40 टॉपिक हैं तो 30 से 40 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सभी को याद करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं, हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं, हर टॉपिक में भी सब पॉइंट होते हैं, उसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति को आप पूरा पढ़ें, पूरा लिखें, किसी रेफरेंस बुक में से पूरा लिखें, तो कम से कम इसमें 10 से 15 पॉइंट निकल कर आएंगे। एक नॉर्मल हम मान लेते हैं 10 पॉइंट, ठीक है। अब आपने कितने ग्रह पढ़े, टोटल 8 ग्रह, ठीक है, तो कितने पॉइंट निकल कर आएंगे, 80 पॉइंट। 80 पॉइंटों को पढ़ना और उनको फिर वहाँ जाके उस तरह से लिखना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो हम हाईलाइट कर सकते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बृहस्पति ग्रह का हमने भूमध्य रेखीय व्यास देख लिया, और पृथ्वी से हमने तुलना कर ली कि पृथ्वी के व्यास से तुलना कर ली, जो कितना है, 11 गुना अधिक है, क्लियर हो गया। फिर हमने यहाँ पर बृहस्पति का क्या पढ़ लिया, द्रव्यमान पढ़ लिया, यानी हमने मास की चर्चा कर ली कि इसका मास कितना होगा। यहाँ पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना मास, 318 गुना अधिक है, जिसमें लगभग कितनी पृथ्वी शामिल हो सकती है, 1300 पृथ्वियाँ इसमें शामिल हो सकती है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमको पढ़ना है, क्लियर हो गया। तो हमने दो जो ऊपर के पॉइंट हमने लिखे हैं उनको हम हटा देते हैं, जब तक आप नीचे वाले नोट कर लीजिए, और जो मैंने समझाया उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए आप, और उसको फिर एक बार समझ लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डाउट पूछ सकते हैं, उससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं जुपिटर की, वापस एक और लिखिएगा, बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमने वाला, या घूर्णन लिख लीजिए, सबसे तेज बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमने वाला या घूर्णन करने वाला, घूमने वाला या घूर्णन करने वाला, घूमने वाला ग्रह है, जो कि 9 घंटे 55 मिनट
मैं अपना एक चक्र 9 घंटे 55 मिनट में अपना एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है, अपना एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। क्लियर हो गया? यानी बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमने वाला, मतलब जितने भी ग्रह हम पढ़ेंगे, 8 ग्रह हम पढ़ रहे हैं, 8 ग्रह में से एकमात्र बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे तेज घूमता है, जिसकी घूर्णन गति जो है वो सबसे तेज है। और ये कितने घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है? तो 9 घंटे 55 मिनट में, 9 घंटे 55 मिनट में ये अपना एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। और इसकी हम औसत दूरी की बात करें कि सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है वो हम देखें, तो ऐसे लिखिए, सूर्य से बृहस्पति ग्रह की औसत दूरी, देखिए कोई भी ग्रह होता है उसकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो हम लगभग एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, एवरेज दूरी मान के चलते हैं कि एवरेज लगभग इतना होगा। तो एवरेज दूरी है 778.3 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से बृहस्पति ग्रह की औसत दूरी 778.3 मिलियन किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे हम ये भी लिख लेते हैं कि इसकी को परिक्रमा करने में, यानी कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा करने के लिए 11.83 वर्षों का समय लगता है, वर्षों का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ध्यान रखना है कि सूर्य से बृहस्पति ग्रह की औसत दूरी 778.3 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है? 11.83 वर्षों का समय लगता है। अब देखिए, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये समय अधिक क्यों लगता है, है ना? जितने भी प्लेनेट पढ़ रहे हैं हम, उसमें परिक्रमा जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें समय अधिक लग रहा है। तो समय दोस्तों अधिक इसलिए लग रहा है क्योंकि जितना अधिक बड़ा व्रत होगा तो वो दूरी भी उतनी ही तय करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है और ये पृथ्वी का पथ है, मान लेते हैं ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है। अब वहीं पर इतना दूर यदि बृहस्पति ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर लिख लेते हैं, ये जुपिटर है। अब देखो, आप तुलना करो जो अर्थ है और अर्थ का जो रेवोल्यूशन पाथ है, यानी परिक्रमा जो उसका पथ है, वो बृहस्पति की तुलना में कितना छोटा है। यानी कि हमारे इस जुपिटर को जब सूर्य की पूरी परिक्रमा करेगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, तो उसको इस तरह से घूमना पड़ेगा, ऐसे इतना ट्रेवल करना पड़ेगा और यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी ट्रेवल करने में समय लगेगा। और यदि व्रत छोटा है या परिक्रमा मार्ग छोटा है तो वो जल्दी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि एक टू व्हीलर का जो व्हील है वो एक तो इतना बड़ा है, एक बड़ी गाड़ी का जो, जैसे कोई आपकी 4 स्ट्रोक गाड़ी है, ठीक है, उसका व्हील इतना बड़ा है और एक व्हील छोटा है, यानी एक्टिवा का व्हील है। ठीक है, तो जो 4 स्ट्रोक गाड़ी है, स्प्लेंडर गाड़ी है, उसका व्हील तो बड़ा है, ठीक है, और एक्टिवा का व्हील छोटा है।
अब दोनों को एक बार ही सर्किल बनाना है, यानी एक बार ही सर्किल कंप्लीट करना है। तो आप देखो, यदि हम एक जगह निशान लगाते हैं, उन दोनों पहियों को एक जगह निशान हम लगाते हैं, और उस पहिए को हमें एक बार ही घुमाना है, एक बार हीरोंडा की व्हील को घुमाना है और एक बार एक्टिवा की व्हील को घुमाना। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले कौन सा व्हील कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर? तो कौन सा करेगा? जो छोटा होगा, मतलब ये वाला, ठीक है। और टाइम किसको अधिक लगेगा इसके कंपेरिजन में? जो बड़ा व्हील होगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये ध्यान रखना, बड़ा व्हील तो जो होगा ना वो अधिक दूरी तय करेगा, बड़ा व्हील जो होगा वो एक चक्कर में अधिक दूरी तय करेगा, जबकि छोटा व्हील जो है वो एक बार में कम दूरी तय करेगा। तो इम्पैक्ट बात यहाँ ये पड़ रही है कि अर्थ जो है वो सूर्य के रेफरेंस में परिक्रमा कर रही है, तो उसका जो चक्र है या उसका जो परिक्रमा पथ है वो छोटा है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। जबकि जुपिटर का जो परिक्रमा पथ है, ठीक है, जो उसका मार्ग है वो डिस्टेंस बड़ा है, उसका जो व्रत है वो बड़ा है, परिक्रमा पथ बड़ा है, तो समय उसको अधिक लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जब हम पृथ्वी को पढ़ रहे थे तो हम पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी पढ़ रहे थे, कितनी पढ़ रहे थे? 149 मिलियन किलोमीटर। अब कुछ आपको याद आ जाएगा, मिलियन किलोमीटर यही पढ़ा था हमने। तो आप देखो, कंपेरिजन देखो, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो तो है 149 मिलियन किलोमीटर, 149 यानी 150 मान लेते हैं, ठीक है, ये 150 मान ले हमने। जबकि सूर्य और बृहस्पति की जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है? 778, यानी आप इसको 780 मान लो, ठीक है। अब आप माइनस करके देखो, 780 में से 150 को घटाओ तो लगभग 630 मिलियन किलोमीटर कहीं अधिक है, 630 मिलियन किलोमीटर कहीं अधिक है बृहस्पति और सूर्य की जो औसत दूरी है। तो नॉर्मली है, फिर उसको समय भी अधिक लगेगा। हमारी पृथ्वी तो 365 दिन ले रही है, 365 दिन में वो अपनी सूर्य से एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि यहाँ बृहस्पति को कितना समय लग रहा है? 11 वर्ष लग रहे हैं, 11 वर्ष, एक वर्ष भी नहीं, 11 वर्ष, 11 वर्ष और कुछ दिन ऊपर के ओर, ठीक है। ये आपको वन बाय वन हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अब बृहस्पति में कुछ अन्य पदार्थ जैसे गैसीय पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है तो उसमें गैसीय प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह में भी गैसीय प्रधानता, जो तत्व होते हैं वो तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और वो तत्व कौन से देखने को मिलते हैं? नंबर वन, तो हम लिखेंगे यहां पर बृहस्पति ग्रह में एक तत्व तो है हाइड्रोजन। एक तत्व कौन सा मिलेगा आपको बृहस्पति ग्रह में, जो सबसे अधिक देखने को मिलता है? वो मिलता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 84% है, लगभग 84% आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। और एक है हीलियम, एक है आपके हीलियम, और हीलियम जो है ये लगभग 14% है, ये लगभग 14% आपको देखने को मिलता है। तो बृहस्पति ग्रह में दो प्रकार के मुख्य रूप से तत्व पाए जाते हैं, एक है हाइड्रोजन जो कि 84% है, और दूसरा कौन सा है? हीलियम, जो कि 14% पाया जाता है। और इसका जो घनत्व है, यानी बृहस्पति का जो घनत्व है बृहस्पति ग्रह का घनत्व 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम घनत्व का ये ग्रह है।
ठीक है, नेक्स्ट ऊपर से हटा देते हैं हम। बृहस्पति ग्रह का जो ऊपरी भाग है, वहाँ का जो सरफेस उसका है, उसका जो तापमान है, तल का तापमान, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप ऐसे, बृहस्पति ग्रह का तल का तापमान, बृहस्पति ग्रह के तल का तापमान ऐसे लिखें, तल कि तल का तापमान -110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके करोड़ का तापमान, जबकि इसके करोड़ का तापमान यानी इसका जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ का तापमान लगभग 25,000 सेंटीग्रेड पाया जाता है। यानी इसका जो ऊपरी तल है, ऊपरी तल का तापमान तो -110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके करोड़ का जो तापमान है वो 25,000 सेंटीग्रेड पाया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह के ज्ञात अनुमान जितना हमें ज्ञात है उतना 63 उपग्रह है, 63 उपग्रह है, और भी रिसर्च जारी है, 63 से कहीं अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम 63 इसके सैटेलाइट्स मानते हैं। देखिए दोस्तों, उसका कारण क्या है, मैंने बताया था आपको, जितना बड़ा ग्रह होता है, जितना उसका आकार बड़ा होगा, उसके उतने ही उपग्रह देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में से जब 1 by 1 एक एक ग्रह निकल रहा था, तो ग्रह जो आकार में छोटे थे तो उन्होंने जल्दी वो प्रक्रिया उत्पन्न की और धीरे धीरे ठंडे होने लग गए, ठीक है, जिससे उनसे ग्रह कम निकले, और जो ग्रह जिसका आकार बहुत बड़ा था, विशाल था, तो वह अधिक गर्म है, इसलिए आप देख लो इसका आंतरिक भाग का जो तापमान है, जो करोड़ों का तापमान है, इंटीरियर तापमान है, वो कितना है, 25,000 सेंटीग्रेड, जबकि इसके तल का तापमान कितना है, -110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो जितना बड़ा ग्रह होगा उसके उतने ही प्लेनेट सैटेलाइट्स होंगे, जितना बड़ा आकार में ग्रह होगा उसके उतने ही सैटेलाइट्स होंगे, और जो ग्रह जितना छोटा होगा उसके उतने सैटेलाइट्स होंगे। तो यहाँ बृहस्पति ग्रह के ज्ञात अनुमान हमें जितना है हमें पता है, तो 63 उपग्रह इसके हमें अभी तक प्राप्त है, और रिसर्च में और हमें पता चल सकता है कि शायद इसके और अधिक देखने को मिल सकते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट सैटेलाइट्स के बाद हम बात करते हैं इसका अक्षय झुकाव का। तो बृहस्पति ग्रह का अक्षय झुकाव 3 डिग्री है। कितना डिग्री, लगभग 3 point something है, तो आप 3.1 डिग्री लिख लीजिए पूरा झुकाव। झुकाव 3.1 डिग्री है, इसलिए यहां ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह का अक्षय झुकाव 3.1 डिग्री है, इसलिए यहां पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इसके जो 63 उपग्रह हैं उनमें से मुख्य रूप से कौन सा उपग्रह है। ठीक है, तो चार इसके मुख्य उपग्रह हैं, तो इसे लिख लेते हैं चार मुख्य उपग्रह, चार मुख्य उपग्रह। इसके चार मुख्य उपग्रह हैं, उसमें से नंबर वन जो है वो है गैनीमीड। गैनीमीड, दूसरा है कैलिस्टो, कैलिस्टो। ठीक है, पहला कौन सा है गैनीमीड, दूसरा है कैलिस्टो, तीसरा है ईओ और फोर्थ नंबर पे यूरोप। वैसे यूरोपा है, यूरोपा लिख लीजिए आप पूरा, गैनीमीड, कैलिस्टो, ईओ और यूरोपा, ये चार इसके मुख्य क्या है उपग्रह है। इन्हें गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है, इन्हें गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है 7 जनवरी 1610 में, 7 जनवरी 1610 में एक विद्वान थे गैलीलियो। ठीक है, 7 जनवरी 1610 में एक विद्वान थे गैलीलियो, तो गैलीलियो ने इन ग्रहों की खोज की, गैलीलियो ने इन ग्रहों की खोज की, इसीलिए इन्हें गैलीलियो उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा 11 उपग्रहों की खोज, 11 उपग्रहों की खोज 2001 में हुई थी और अन्य बाकी के जो उपग्रह थे उनकी खोज 2008 में हुई। ठीक है, ये कुछ और इम्पोर्टेंट बात है। तो जो गैनीमीड है, कैलिस्टो है, ईओ है, यूरोपा है, इनकी चारों की खोज तो किसके द्वारा, गैलीलियो उपग्रह कहते हैं इन्हें, और इनकी खोज किसने की, 7 जनवरी 1610 में गैलीलियो की जो दूरबीन है उसके माध्यम से गैलीलियो द्वारा की गई। जबकि 11 उपग्रह जो हैं इनकी खोज 2001 में हुई है और बाकी की जो खोज उपग्रह हैं उनकी 2008 में हुई है। इस प्रकार से जुपिटर की जो महत्वपूर्ण बातें थी, जुपिटर उपग्रह की जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है और इम्पोर्टेंट बातें हमने बात कर ली है कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है। चार मुख्य उपग्रह हैं, इनका साइज़ भी बड़ा है जिसको दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है, उसमें गैनीमीड है, गैलिस्टो है, ईओ है, यूरोपा है। ठीक है, उसके अलावा गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है इन चारों को, क्योंकि 7 जनवरी 1610 में गैलीलियो के माध्यम से इसे देखा गया। 11 उपग्रहों की खोज 2001 में, बाकी के अन्य की 2008 में हुई। बृहस्पति ग्रह का अक्षय झुकाव 3.1 डिग्री है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था, चर्चा की थी अभी हमने, जब हम मास के बारे में बात कर रहे थे, मंगल के बारे में बात की थी हमने, तो वहाँ हमारी चर्चा ये हुई थी कि लगभग 20 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री के आसपास जिस भी ग्रह का झुकाव होगा, अक्षय झुकाव, तो वहाँ निश्चित ही मौसम परिवर्तन होंगे, वहाँ ऋतुओं में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर झुकाव जो है वो 1.1 डिग्री ही है, तो झुकाव कम होने के कारण यहाँ पर मौसमी परिवर्तन नहीं होता या ऋतु परिवर्तन नहीं होता। बृहस्पति ग्रह का ज्ञात अनुमान से 63 उपग्रह देखने को मिलते हैं, लगभग हमें 63 उपग्रह ज्ञात हैं। और बृहस्पति ग्रह के तल का तापमान -110 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके क्रोड का तापमान 25,000 सेंटीग्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास में बृहस्पति ग्रह जुपिटर को भी कंप्लीट कर लिया है। एक एक पॉइंट को हमने इसको डिस्कस कर लिया है, इसके उपग्रह कौन कौन से हमने उसकी भी चर्चा कर ली है।
तो इस प्रकार से हम वन बाय वन एक एक चैप्टर को एक एक उपग्रह को कंप्लीट या ग्रह को कंप्लीट करते जाएंगे और इस तरह से हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।